आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पर कॉल अगर नहीं लगता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ना, इसे ओपन कर लेना है। इस फाइल के ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको है ना, नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए जीरो हो जाता है थोड़ी देर में इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है मोबाइल से बाहर निकाल लेना है, और आपके फोन का जो सिम ट्रे होता है ना, सिम ट्रे में दो स्लॉट होती है, सिम वन और सिम टू। तो आपको जो है ना अपना सिम का स्लॉट एक बार चेंज करके देख लेना है, इससे प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले फोन का इंटरनेट चालू रखिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है ना, ये इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपको नीचे पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।